हाई एवरी वन, लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन ऑफ EVS प्लस टू क्लास पेपर। ठीक है, इट्स बाय मंथली नवंबर। सो टाइम ताडा 1 घंटे का होना है, 20 मार्क्स का पेपर है। सो सब तो पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे आप आंसर देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? सो इट्स आंसर बी पार्ट इज MS स्वामीनाथन, स्वामीनाथन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोयल फॉर प्लांट्स? प्लांट का की इम्पोर्टेंस है? सो फर्स्ट क्वेश्चन पंजाबी मीडियम वाले भी ठीक है कर लियो। सो देखो यदि ए पार्ट किया, इट्स एक्ट एज अ मीडियम ऑफ ग्रोथ, यस। सो बी, इट्स अ प्रूव न्यूट्रिएंट्स। सी, सप्लायर ऑफ वाटर। ऑल ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन इज, क्रॉप रोटेशन इज अ बेनिफिशियल फॉर रिड्यूसिंग पेस्ट डैमेज, उसके बाद टू इम्प्रूव क्रॉप हेल्थ एंड टू डिक्रीज सोयल इरोजन। सो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट प्लांट डिसीज? इन्हों विच प्लांट का केड़ी बीमारी नहीं है? सो मेल्ड्यू, ब्लाइट एंड स्मूथ इज ऑल इज अ प्लांट डिसीज। बस मलेरिया इज अ ह्यूमन डिसीज। ठीक है, सो मलेरिया इज द राइट आंसर है कि मलेरिया ह्यूमन का डिसीज होता है। सो प्लांट में तो मलेरिया हो ही नहीं सकता है ना, मच्छर तो काटते रहते हैं, मलेरिया मच्छर ने बढ़ना होता ना, मे बी। सो फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सेम फील्ड अल्टरनेटिव इज कॉल्ड की होगा, इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन और मिक्स क्रॉपिंग, जर्म क्रॉप रोटेशन। ठीक है, क्रॉप रोटेशन और मिक्स क्रॉपिंग, मे बी क्रॉप रोटेशन इज राइट आंसर। तो उसे एक बार कंफर्म कर लियो कि मिक्स क्रॉपिंग भी आ सकता है शायद, बट क्रॉप रोटेशन इज राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट देखो, ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स भी एक एक नंबर दिया। सो फर्स्ट किया, इट्रोफिनिकेशन लीड्स टू द डिप्लेक्शन ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द वाटर बॉडीज विच कॉजेज डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। या इट्स अ राइट आंसर, सही है, ट्रू। सेवन्थ, फुल फॉर्म ऑफ NPK इज नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाशियम फर्टिलाइजर, इज द राइट आंसर। एट, बायो मैग्निफिकेशन इज कैरेक्टराइज बाय इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स एज इट पासिस फ्रॉम वन वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर, ट्रू और फॉल्स? इज अ ट्रू। ओके, सो नाइन्थ देखो, ट्रू फॉल्स, फर्टिलाइजर आर न्यूट्रेंट्स स्पेसिफिक फॉर ए पार्टिकुलर क्रॉप्स। या राइट, खादा खास खास क्रॉप्स लिए खास ही होंगे है ना, इट्स द राइट आंसर। सो टेंथ किया, रिवर्स एंड कैनल्स आर नॉट यूज फॉर इरीगेशन इन इंडिया। फॉल्स, इंडिया में हले तक भी यूज किया जाता है रिवर्स एंड कैनाल्स। ठीक है, जो भी है। सो नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स का देखो एक बढ़िया गल की थी इन्होंने कि सानू ऑप्शंस गिवन है। ओके, इलेवेंथ फिलिंग द ब्लैंक्स देखो, इन्हें सोयल पोल्यूशन प्रोड्यूस ड्यू टू एक्सेसिव सॉल्ट इन सोयल इज कॉल्ड। जो मिट्टी में ज़्यादा एक्सेसिव सॉल्ट आ जाए, नमक आ जाए, तो उसने की कहने हैं, उन्होंने सी कहने हैं सोयल है ना, सोयल सैनिलाइजेशन। सैनिलाइजेशन, सो राइट आंसर इज सैलिनाइजेशन, सैलिनाइजेशन। ओके, सो ट्वेल्थ देखो, रस्ट ऑफ वीट इज कॉजेज बाय पीज ग्रामीन। सो पहले ही आंसर है। ठीक है, जी पहली फिलिंग द ब्लैंक्स। ट्वेल्थ का आंसर साडा की है, पुसीनिया ग्रामीन्स। ठीक है, जो भी है, पुसीनिया ग्रामीन्स इज अ कॉजेज ऑफ रस्ट ऑफ वीट इन द रस्ट इन वीट। ठीक है, सो तेरहवा देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स कहता है, डैश इज द लैंड वेयर प्लांट्स आर कल्टिवेटेड। ठीक है, कहड़ा फील्ड? सो राइट आंसर इज अ फील्ड। उस तो बाद चौदहवा देखो, चौदहवा क्वेश्चन, सप्लाई ऑफ वाटर। ठीक है, सप्लाई ऑफ वाटर टू द प्लांट इज कॉल्ड, आई नो, इरीगेशन। ठीक है, पानी लगाना। उस बाद नेक्स्ट, पंद्रहवा फिलिंग द ब्लैंक साडा की है, डैश गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है,
डैश गैस इज रिस्पोंसिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो किहड़ा गैस है इन्हां विच्चों, इक वी तां गैस रह गया यार, कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द राइट आंसर। कूल, नेक्स्ट देखो, थानू एक एक नंबर दे क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है। सो इन्हां क्वेश्चंस दे आंसर देना। सब तो पहला क्वेश्चन साडे हैगे आ, देखो सोलवां प्रश्न किया, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 3R। तानू पता है 3R दे मीनिंग्स की है, 1R दा रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। रिड्यूस, रिड्यूस मतलब घटाना, रिसाइकल एंड रीयूज, ठीक है। सो 17वां प्रश्न का, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माल न्यूट्रिशन, ठीक है। इट्स अ दैट सीरियस सिचुएशन, एक कड़ा सिचुएशन होंदा, दैट सीरियस सिचुएशन व्हेन योर डाइट डजंट हैव राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। जहाँ ताडे जदों जदों ताडे फूड्स विच उचित मात्रा विच न्यूट्रिशन नहीं हुंदे आ, उस सिचुएशन नूं असीं की कहिंदे आ, माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, ठीक है, मतलब कि घट हो जाना। उस तो बाद नेक्स्ट 18वां है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DDT। यहाँ देखो फुल फॉर्म बहुत ही लंबा चौड़ा है, की हुंदा है, डिचलोरो डिफेनिल डिफेनिल डिचलोरो थेन। बहुत ही बड़ा स्पेलिंग है, ठीक है। तो स्पेलिंग में राइट लिख देना है थे। उस तो बाद देखो पता लग गया कि यार डिचलोरो डिफेनिल डिचलोरो इथेन, बहुत बड़ा इहदा फुल फॉर्म है। ओके, सो 19वां प्रश्न है, नेम टू फॉसिल फ्यूल। सो इहदे विच कोल, नेचुरल गैसेस लिख सकते हो तुसीं। ओके, उस ऑयल। ओ तो बाद बीमा किया, व्हाट इज़ द मीन बाय जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉल्ड एबसेंस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। व्हेन जदों साडे जीवन दर एंड मौत दर, ठीक है, दोनों इक्वल हो जाते हैं, जिन्ना ही पैदा हो रहे हैं उन्ना ही मर रहे हैं, मतलब कि कोई ग्रोथ नहीं हो रही पॉपुलेशन विच, एबसेंस है पूरा, उसनों आप जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ कहने हैं, पॉपुलेशन नहीं बढ़ रहा। पता लग गया, जिस टाइम पॉपुलेशन बिल्कुल नहीं बढ़ रही, क्योंकि जितना ही मर रहे हैं उतना ही पैदा हो रहे हैं, मतलब जितना पैदा हो रहे हैं उतना ही मर रहे हैं, इट्स कॉल्ड जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। सो आई होप तुम्हें क्वेश्चन पेपर चंगी तरह समझ आ गया होना है। सो कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, वीडियो ने अपने दोस्तों ने जरूर शेयर कर दो, बस इन्ना काम कर दो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो एंड चैनल सब्सक्राइब कर लो।